नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवास क्रिएशन। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और वो बेल बटन दबा दीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशंस। आज हम बात करने वाले हैं आज की रिलीज फिल्म टोटल धमाल के बारे में। मैं अभी अभी फिल्म देख के निकला हूँ। मैं और मेरा 7 साल का बेटा देखने गए थे और फिल्म जैसे आपने ट्रेलर में देखी है, फिल्म एक स्ट्रेस बस्टर कॉमेडी फिल्म है जो अच्छी या बुरी के बुरी बोलने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि फिल्म की कोई कहानी है नहीं, ये कोई सीक्वल है नहीं, ये वही जो धमाल फिल्म थी उसी का रीबूट है। सो इट्स काइंड ऑफ अ रीमेक। बट हाँ, बड़ी बजट की फिल्म है, बड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन है, अनिल कपूर है, माधुरी दीक्षित है। सो बड़ी फिल्म है, प्रोडक्शन वैल्यूज ज़्यादा है। फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म 2 घंटे से कम की है और फिल्म अपने आप को सीरियसली कभी भी नहीं लेती। तो फिल्म एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है एंड इट स्टिक्स टू इट। वो अपने आप को कभी सीरियस बनने नहीं देती और इट स्टिक्स टू द जॉनर ऑफ कॉमेडी। बढ़िया बात यह है कि फिल्म के जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं, राइट फ्रॉम लेड बाय द मतलब एनर्जेटिक अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। उनकी जो जोड़ी है, ये फिल्म डायरेक्टेड है इंद्र कुमार के द्वारा और ये वही निर्देशक है जिन्होंने 90s में बेटा और दिल जैसी बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की थी। सो बेटा की जो केमिस्ट्री है जो अनिल माधुरी की, ये हमें वापस फिर से 2019 में देखने को मिलती है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो देखने लायक है। ये फिल्म अनिल कपूर और माधुरी के वजह से देखनी ही चाहिए। रेस्ट ऑफ द कास्ट बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली कॉमेडी फिल्म में एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, यहाँ तक कि महेश मांजरेकर का जिनका छोटा सा रोल है वो भी उन्होंने भी कमाल किया है। फिल्म में कोई गाने हैं नहीं, सिर्फ एक आखिर में क्रेडिट सॉन्ग है और पहले एक मुंगरा गाना है। सो कहानी कुछ है नहीं, एक आदमी मरते वक्त कह देता है कि यहाँ पे एक खजाना है, कुछ पैसे है, जाओ जाके ले लो, एंड दे रन कि जिसको जो पहले पहुँचेगा उनको पैसे मिल जाएंगे। सो कहानी कुछ है नहीं, फिल्म इज एन रोड ट्रिप एंड एडवेंचर ट्रिप। बहुत बढ़िया है इन द सेंस कि आपको मालूम है कि एक बकवास फिल्म देखने जा रहे हो आप। यू एट नो पॉइंट आप इस फिल्म को सीरियसली नहीं ले सकते। बच्चों को, फैमिली को अच्छी लग सकती है क्योंकि फिल्म एक बहुत ही क्लीन फैमिली एंटरटेनर है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। प्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिल्म में एनिमल्स का बहुत सारा प्रयोग किया गया है, 2 एनिमल्स आर CGI पर वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो बच्चों को शायद अच्छा लग जाए और अगर आपको भी लगे कि ऐसे कुछ करने का है नहीं, बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी में, लाइफ में, ऑफिस, सब कुछ, सो जाके देखिए। अंडर 2 आवर्स का फिल्म है, सो शायद आपको अच्छा लग जाए। जो स्क्रीन प्ले है वो अच्छा है इन द सेंस जैसे फिल्म की ज़रूरत है उस हिसाब से ठीक ठाक है। एडिटिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि बहुत शार्प एडिटिंग की गई है और जैसे आपने ट्रेलर देखा है, अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो आपको फिल्म अच्छी लगेगी, अगर आपको ट्रेलर पसंद नहीं आया तो आपको फिल्म अच्छी नहीं लगेगी। टोटल धमाल एकदम धमाल फिल्म है। मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा, वो बोला कि पापा हम कल वापस आएंगे, मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिल्म के जो ऑडियंस थे, काफ़ी ऑडियंस थे, फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, करीब 18 करोड़ के आसपास की ओपनिंग मिलेगी और ये फिल्म भी 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। क्रिटिक्स को ये फिल्म एकदम पसंद नहीं आएगी, पर हॉल में जितने लोग थे उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो काफ़ी हंस रहे थे, काफ़ी क्लैप कर रहे थे। सो आई गेस फिल्म और जिस ऑडियंस के लिए बनी गई है, जिस ऑडियंस के लिए भी बनी गई है, उनको फिल्म अच्छी ही लगेगी। सो मेरे हिसाब से ये फिल्म 6 out of 10 stars जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट फैक्टर, नथिंग एल्स, और कुछ है नहीं इस फिल्म में। तो आप अगर देखना चाहें, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगे, आपको इस तरीके के फिल्म अच्छे लगते हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच। गोलमाल जो नई वाली गोलमाल निकली थी उससे काफ़ी कम अच्छी है, सो क्योंकि गोलमाल में फिर भी एक स्टोरी था, एक इमोशनल थिंग, इमोशनल कंटेंट था। यहाँ पे इमोशन कुछ नहीं है, रोमांस वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट एक धमाल मूवी है, जस्ट जाइए और इन्जॉय कीजिए। सो मिलते हैं अगले रिव्यू तक और हमारा चैनल शिवास क्रिएशन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।